श्री माया लिखिया है। प्यारे भाई दया सिंह जी ने पूछा सी महाराज तुहाडे खालसे ने दिवाली दे पुरब ते की करना है। जिहड़े विद्वान ने वह माया की पूजा करते ने, जिहड़े आम लोग ने वह लक्ष्मी धन दौलत की पूजा करते ने। उन्होंने धन दौलत नूं ही माया समझिया है ते नाम लक्ष्मी रखिया है। जिवें अकाल पुरख का प्रतीक खंडा ते अकाल पुरख की शक्ति का प्रतीक कृपान है, इदां ही माया का प्रतीक लक्ष्मी है। जिथों क तक किसी की पहुँच है उतों क तक वो पूजा करी जाता है। गृहस्थी धन दौलत नूं माया समझते ने, लक्ष्मी करके पूजा करते ने। जिहड़े ज्ञानी लोग ने जो किस दृष्टि गोचरे आवत मन ताको माया ठहरावत, जो कुछ दिखाई दे रहा है उन्हें माया समझते ने। कलगीधर पातशाह जी ने दसम बाणी विच लिखिया है, माया की व्याख्या लिखी है। तो महाराज साहब जी कहन लगे भी खालसे ने ना माया दी ते ना लक्ष्मी दी, शक्ति नूं नहीं पूजना क्योंकि शक्ति शक्ति तो बिना भी होनी है। खालसे ने श्री माया ते श्री लक्ष्मी नूं पूजना है। जो माया वाला ते लक्ष्मी वाला माया दा पति ते लक्ष्मी दा पति है। ते नाल ही साहब जी ने वरदान दिता जिहड़ा ज्ञान दी बिरती रख के श्री माया स्तोत्र पढ़ेगा उहदे घर दे विच ब्रह्म ज्ञान दे धन दी कमी नहीं रहेगी। जिहड़ा संसार दे पक्ष तो श्री लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ेगा, क्योंकि इहदा नाम है श्री माया श्री लक्ष्मी स्तोत्र, छोटा जिहा नाम है श्री भवानी स्तोत्र श्री भवानी उस्तत साहब जी ने जो उपर पद रखिया है। गृहस्थियां दे घर दे विच धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, ज्ञानियां दे घर दे विच ब्रह्म ज्ञान दे धन की कमी नहीं रहेगी। ये साहब जी ने वरदान दिता। दिवाली दे दिनां दे विच स्तोत्र दा जाप किया जाता है। दिवाली तो सत दिन पहले एक छंद तो लैके 107 पद तक ये बाणी का जाप करना है। जिवें दशहरा महात्म का जाप हुंदा है वो शाम दे वक्त हुंदा है, इहदा जाप अमृत वेले करना है। 6 दिन 1 तो लै करके 107 तक पढ़ना है। जल रखना है, कुंभ रखना है, नारियल रखना है, जोत जगानी है, 7 प्रकार के मेवे बदाम गिरी सौगी छुहारे इत्यादिक रखने ने। स्वच्छ वस्त्र पहन करके ते ए जाप करना है। जिदन 7वां दिन होना है उदन गुरु खालसा जी एक छंद तो लै करके ते ए साहब जी की पावन बाणी 322 छंद तक, सटीक दा अंग है 81, इथों तक गुरु खालसा जी जाप करना है। बाद विच हो सके ते श्री सरबलो कवच श्री सरबलो स्तोत्र पढ़ के ते अरदास करनी है। जे कोई ज्ञानी पढ़ेगा ते उहदे घर दे विच नाम धन की कमी नहीं रहेगी, ते जे गृहस्थी पढ़ेगा ते उहदे घर दे विच गुरु खालसा जी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। ये पावन दिवाली महात्म है जिवें दशहरा महात्म है। सो साहब जी ने यह पावन बाणी कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, इहदी व्याख्या कीती है।